नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको पालक दाल बनाना सिखाएंगे। पालक दाल बहुत ही टेस्टी होता है। जाड़े के दिनों में नया चावल और पालक दाल बहुत पसंद किया जाता है। तो चलिए पालक दाल बनाते हैं। पालक दाल बनाने के लिए हमने पालक को अच्छी तरह से साफ करके बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 100 ग्राम अरहर दाल, 50 ग्राम हरी उड़द की दाल, हरी मिर्ची को हमने बारीक टुकड़ों में काटा है, लहसुन को भी हमने बहुत बारीक टुकड़ों में काट लिया है, एक सूखा लाल मिर्च, नमक, हींग, तेल। तो चलिए पालक दाल बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बोल में दोनों दाल को हम अच्छी तरह से धुल लेंगे। दाल को हमने अच्छी तरह से धुल लिया है। अब हम इसको कुकर में डालेंगे। हमने दाल को कुकर में डाल लिया है। अब इसी में पालक भी ऐड करेंगे, ये कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ हरा मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार पानी ऐड करके पकने के लिए रखेंगे। हमने दाल पकने के लिए रख दिया है। अब हम ढक्कन लगाएंगे और अपने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करेंगे और 3 सीटी आने तक दाल को पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने दाल को 3 सीटी आने तक पका लिया है। हमारा दाल अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने एक तड़का पैन लिया है। अब हम उसमें तेल डालेंगे, तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। अब तेल गर्म हो चुका है। अब हम उसमें कटा हुआ लहसुन डालेंगे और लहसुन को थोड़ा पक जाने देंगे। लहसुन पक चुका है। अब हम इसमें सूखा मिर्चा डालेंगे और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे और तड़का को अच्छी तरह से पका लेंगे। ये पक गया है, जलाना नहीं है इसको, सिर्फ पकाना है। अब ये गैस ऑफ करेंगे और दाल में तड़का लगाएंगे। हमने दाल में तड़का लगा लिया है। अब हम दाल सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पालक दाल बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जाड़े के सीजन में पालक दाल चावल के साथ एंजॉय करिए।